की अर्बुदा गौशाला में खड़े हैं और अर्बुदा गौशाला में नंदी भगवान है, गौ माता है। ये जो बाड़ा है इसमें लगभग 200 नंदी हैं। हम महादेव के भक्त हैं, भारत में महादेव की महिमा है और महादेव के की सवारी नंदी हैं, बैल हैं, नंदेश्वर भगवान हैं, तो इसलिए इनकी महिमा हमारे शास्त्रों में भी गाई है। इनका जिसको कहें कि पर्यावरण की दृष्टि से महत्व है, हम गौ कथाओं में इनकी महिमा के बारे में बहुत सुनते हैं। आज हम आपको इसका थोड़ा अनुभव करवाते हैं साहब। आप इनको देखिए, इनको प्रणाम कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। ये शांत चित्त खड़े हैं। ये अब चूंकि संध्या का समय है, इन्होंने जो चरना था, विचरण करना था, भोजन करना था, पानी पीना था, वो सब कर लिया और अब ये शयन की मुद्रा में जाने वाले हैं। सिरोही की अर्बुदा गौशाला, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ जानना जरूरी है, रियासतकालीन अर्बुदा गौशाला जो बहुत लंबे समय तक बंद रही, जिसके बारे में हमने बहुत बार कहा, 2014 में इसका शुभारंभ हुआ, कई उतार चढ़ाव इस गौशाला ने देखे, कई सुर्खियों में रही, कई आलोचना सहन की इसने, लेकिन चलती रही, रुकी नहीं। और यही होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में कहा है, चरे वेती चरे वेती, हम चलते रहें, कोई प्रशंसा करे, आलोचना करे, निंदा करे, स्तुति करे। आप इन नंदी भगवान को प्रणाम कीजिए। जिला प्रशासन की देखरेख में ये गौशाला चलती है। ये भाग्यशाली हैं, सच में ये नंदी भाग्यशाली हैं जो इनको ये स्थान मिला है। कल तक ये भी सड़कों पर घूमते थे, सड़कों पर छूटन खाते थे, पॉलीथीन खाते थे, क्योंकि समाज ने इनको नकारा साबित कर दिया। समाज इनकी परवाह नहीं करता, समाज इनके महत्व को नहीं समझता। और हाल ये है, हर शहर का हाल ये है, हर गांव का हाल ये है, हर नगर कस्बे का हाल ये है कि नंदियों को हम छोड़ देते हैं और वो नंदी अपने पेट भरने के लिए, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ भी खाते हैं। हम पॉलीथीन डालते हैं, पॉलीथीन में भोजन आदि के वेस्ट डालते हैं और ये उनको खाते हैं। और आप सोच सकते हैं कि दिन इतने बड़े नंदी भगवान को एक सड़कों पर घूमते हुए क्या पेट भरता होगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि नंदीशाला का शुभारंभ एक बहुत पवित्र घटना रही। ये नंदीशाला खुली, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े। और देखिए, ये नंदीशाला जिला कलेक्टर महोदय इसके अध्यक्ष हैं और ये संपूर्ण व्यवस्था को प्रशासन की देखरेख में संभालते हैं। यहाँ चारा आता है समय समय पर, यहाँ कुछ व्यवस्थापक हैं, मेरे साथ में मुनीम जी भी हैं जो यहाँ की जानकारी रखते हैं। इनको देखिए, गोवंश को क्या चाहिए, गोवंश को चारा मिल जाए और गोवंश को पानी मिल जाए और बदले में गोवंश आपको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इस ओडू को पहले तो नमन कर दूं साहब। आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ पानी है और ये जरूरी है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, अर्थात यहाँ नियमित रूप से सफाई करते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता नमन के योग्य हैं। हम अगर उधर, ये एक पार्ट है नंदी शाला का, या यूँ कहें कि इस गौशाला का, जहाँ नंदी भगवान हैं यहाँ इनको मिनरल्स की पूर्ति के लिए हम एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ इनको इस तरह से मिनरल भी देते हैं। और ये बहुत समझदार प्राणी होता है गौ माता, नंदी भगवान, इनको जितना चाहिए उतना लेते हैं। देखिए, गौवंश का गोबर, विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि इसके गोबर और गौमूत्र से भी ये जगत का कल्याण कर सकते हैं।
बस हमको उसका मैनेजमेंट करना होता है। यहाँ हम देख सकते हैं चारा आया है, बता रहे थे कि चारे की थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक करना पड़ेगा, बरसात आ रही है, बरसात के दिनों में चारे की एक मुसीबत होती है। मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे यहाँ कुछ पीपल लगाने हैं, और पीपल लगाने के लिए मैं जगह देख रहा था, लेकिन मुझे ये जो सीन दिख रहा है ये बड़ा सुंदर दिख रहा है। ये सीन दिख रहा है वो सहज आकर्षित कर रहा है, इसलिए मैं मेरे भाव प्रकट कर रहा हूँ। हम देख सकते हैं जिसको जितना खाना है, जिसको जितना रहना है, पीना है, लेकिन देखिए जितने प्रयास हुए हैं इस अर्बुदा गौशालों को लेकर सभी वंदन के योग्य हैं। और ये इसमें अगर मैं अधिकतम कार्यों की बात करूं तो किसी एक व्यक्ति का यहाँ सहयोग भी नहीं है, यहाँ कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सहयोग किया है, छोटा सहयोग किया है, बड़ा सहयोग किया है, अनवरत सहयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी अर्बुदा गौशाला है, बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरती को हम नमन करें। हमने कई बार गौ कथाओं में सुनते हैं कि गौवंश का क्या महत्व है, गौ माता वैतरणी का काम करती है, और नंदी भगवान तो धर्मराज के स्वरूप हैं, धर्मराज के स्वरूप हैं, और इस धर्मराज के स्वरूप को हम प्रणाम करें। मैं आज बस इतना ही, लेकिन ये गौतीर्थ है निसंदेह बहुत खूबसूरत है, यहाँ जो भी कार्य कर्मचारी हैं वो इसकी सेवा करते हैं। अब आप देख लीजिए कितना खूबसूरत दृश्य है। जय गौ माता, जय नंदी भगवान।